हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 28 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 18 जनवरी 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए और आप अपनी वीडियो की इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। बच्चों, तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ प्रोनाउन होते क्या हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं। और नाउन क्या होते हैं? जैसे जो व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोलते हैं नाउन। जैसे राम, श्याम, ताजमहल, ये सभी क्या हमारे नाउन। और इसके प्लेस पर जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, तो देखते हैं वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो डू यू नो रिपीटिंग नाउन कैन मेक सेंटेंस साउंड ओड। तो इसने कहा कि जो हम नाउन है उसको अगर हम बार बार रिपीट करें तो उससे क्या हो जाए, सेंटेंस क्या ओड से दिखने लग जाता है। दस वी यूज़ प्रोनाउन टू अवॉइड दैट। तो इसलिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं इस चीज़ को रिमूव करने के लिए। जैसे कि जिग्नेश प्ले क्रिकेट। जिग्नेश क्या है? क्रिकेट खेलता है। जिग्नेश इज़ द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम। जिग्नेश क्या स्कूल टीम का कैप्टन है। जिग्नेश बैट्स वेल। जिग्नेश बैटिंग अच्छी करता है। जिग्नेश इज ऑल्सो द विकेट कीपर ऑफ द टीम। जिग्नेश क्या टीम का विकेट कीपर है। जिग्नेश इज गुड इन स्टडी टू। जिग्नेश क्या पढ़ाई में भी अच्छा है। जिग्नेश लव्स टू रीड बुक। और जिग्नेश को बुक पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो इसमें आपने ये नोटिस किया कि जितने भी लाइन्स हैं उसमें सबने जिग्नेश यूज़ हुआ है और उसको हम बार बार वही वर्ड जिग्नेश यूज़ किए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट आगे दिया है जिग्नेश प्ले क्रिकेट। जिग्नेश क्या क्रिकेट खेलता है। फर्स्ट लाइन में हमने जिग्नेश यूज़ किया, बाकी में हम क्या करेंगे इसके जगह जिग्नेश क्या लड़का, तो उसके लिए हम ही यूज़ करेंगे। ही इज़ द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम। ही बैट्स वेल। ही इज़ आल्सो द विकेट कीपर ऑफ द टीम। ही इज़ गुड इन स्टडी टू। ही लव्स टू रीड बुक। उसको बुक पढ़ना अच्छा लगता है। तो इस सभी क्या हमने अब इसकी जगह जिग्नेश की जगह हमने ही यूज़ किया। ही क्या हमारा प्रोनाउन हो गया बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या हमारा प्रोनाउन। तो अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सेकेंड फर्स्ट पार्ट में क्या है? चूज प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे आपको कुछ अंडरलाइन देगी, इन वर्ड्स को रिमूव करने रिमूव करके हमें प्रोनाउन लगाना है। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट है हमारे पास माई नेम इज़ रेणुका। मेरा नाम क्या है? रेणुका है। यू कैन कॉल रेणुका रेणु। तुम रेणुका को रेणु बोल सकते हो। तो रेणुका की जगह हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? मी। तुम मुझे रेणु भी बोल सकते हो। माई बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज द बेबी वॉज हंग्री। मेरा जो बच्चा है वो चिल्ला रहा है बिकॉज द बेबी वॉज क्राइंग। जो बच्चा वो चिल्ला रहा है क्योंकि वो भूखा है। तो बेबी क्या, हमें नहीं पता कि लड़का है लड़की, तो इसलिए हम इस्तेमाल क्या करेंगे? इट। ठीक है, अगर आपको पता होता ये लड़का है लड़की तो उसके अकॉर्डिंगली आप ही और शी यूज़ करते। नेक्स्ट है डोंट टच दैट नाइफ। द नाइफ इज़ वेरी शार्प। जो नाइफ है इसको टच मत करो क्योंकि जो नाइफ है बहुत ही शार्प है। तो इसके साथ भी आप क्या यूज़ करेंगे? इट। नेक्स्ट है आई इन्वाइटेड अनु राम गीता टू द पार्टी बट अनु राम गीता डिड नॉट कम। मैंने अनु राम और गीता को इन्वाइट किया था पार्टी में लेकिन वो नहीं आए। तो वो क्या यहाँ पे क्या आएगा? दे। नेक्स्ट है जेम्स प्ले बास्केटबॉल। जेम्स बास्केटबॉल खेलता है। जेम्स आल्सो प्ले टेनिस। और जेम्स टेनिस भी खेलता है। तो जेम्स क्या लड़का है? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ही। द टीचर टोल्ड माई क्लास डैट वी शुड प्ले इन द प्ले ग्राउंड। मेरे टीचर ने कहा कि मेरे टीचर ने मेरी क्लास को कहा कि हमें प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। तो माय क्लास की जगह क्या आएगा आप पे? अस आएगा कि हमें कहा हमारे टीचर ने कि हमें प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। द शीतल ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। आई गो टू द स्कूल विद शीतल। शीतल मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके साथ ही स्कूल जाता हूँ। तो शीतल क्या लड़की? आई गो टू स्कूल विद हर। तो यहाँ पर आएगा बच्चों आपका हर। तो ये सभी ब्लैंक आप फिल कर देना। इसमें यू हमारा इस्तेमाल नहीं हुआ है तो इसको आप कट कर देना। और इट हमारा दो बार इस्तेमाल होएगा। ठीक है, तो आप ये पूरा अपना फिल कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं फिलिंदा ब्लैंक्स। फिलिंदा ब्लैंक्स विथ प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे आपको प्रोनाउन बॉक्स में दिए गए उसके हेल्प से आपको फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इज़ द डेड बॉय। ये लड़का कौन है? तो ये बॉय है तो ये क्या आएगा? ही इज़ रोहित। नेक्स्ट है वो इज़ डेड गर्ल। यह लड़की कौन है? तो लड़की के लिए बात होगी तो यहाँ पे आएगा शी। शी इज़ मीना। नेक्स्ट है वो आर डैश। ये कौन है? वो आर दे। वो आर दे। तो यहाँ पे दे आर माई अंकल एंड आंट। ये मेरे अंकल और आंट है। नेक्स्ट वो वे डू यू दे लिव। वे कहाँ रहते हैं? तो यहाँ पे आएगा दे लिव इन
दिल्ली भी कहाँ रहते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द रेन कॉल डैश इनसाइड, जो बच्चे हैं वो रेन में खेल रहे हैं तो जो उसको हम कहेंगे कॉल दैम इनसाइड, उनको अंदर बुलाओ, यहाँ पे हम करेंगे दैम। नेक्स्ट है वी मस्ट आस्क दैम, वी मस्ट आस्क डैश टू कम इनसाइड फास्ट, वी हमें उनको वी मस्ट आस्क दैम, हमें उनको जल्दी से जल्दी अंदर बुलाना चाहिए, अदरवाइज दे माइट फेल सिक, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आप इसको अपना पूरा कंप्लीट कर लेना, पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट होगी। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके फ्यूचर में भी सभी वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपको वर्कशीट के सोल्यूशन के लिए वेट ना करना पड़े। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब के लिए आप इस बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लैक हो जाएगा, उसके बाद आप इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे और पर्सनलाइज नन ऑल पर क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।